ये आपका 10 किलोवाट इंडोर आपने किया हुआ है? जी सर, ये इंडोर किया हुआ है। इसमें ये 10 किलोवाट इन्फिनी जी ये 10 किलोवाट है। ठीक है, और ये सिंगल फेज है? थ्री फेज है। और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये वाटर के इनपुट वोल्टेज जो थ्री फेज वो आ रहे हैं जी। ठीक है, और ये हमारे इन्वर्टर के जो आउटपुट है वो थ्री फेज जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सोलर वन जी और ये सोलर टू है। ये सोलर वन जो स्क्रीन बनाई थी उसके ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये सोलर टू के वोल्टेज ये वो आ रहे हैं जी। ठीक है, ठीक हो गया। और सर, ये टेम्परेचर सेंसर, ये सर टेम्परेचर सेंसर है। यहाँ पे अभी डीसी मीटर लगना है जो कि बैटरी की वोल्टेज बताएगा। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा डीसी ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, 250 एम्पीयर का जी। और ये हमारे शॉर्टों के 600 एम्पीयर के सेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। ये 10 किलोवाट के सिस्टम आपने लगाया है जी भाई। कंपनी का आपका क्या नाम है? सोलर पावर स्टेशन। तो आपको कितना अर्सा हो गया सर सोलर का काम करते हुए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। आपने अब तक कितने प्रोजेक्ट लगाए हैं? लगातार लगाए हैं। आपके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनका आपने काम किया है कुछ बताना पसंद करेंगे? जी जी, मॉल है और इस तरह के भी आप ही लगा रहे हैं। और जो जो मेन शायद कोई मुल्तान में जो क्रिश्चियंस के चर्च जी, मुल्तान के जितने भी वो एक कॉलेज है उनका क्या नाम है? पास्टर इंस्टीट्यूट वो किया है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो हमारा जो सबसे बड़ा इनका चर्च है वो किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनके छोटे छोटे चर्च भी बेशुमार। तो पैनल आप कौन सी कंपनी के यूज़ करते हैं? पैनल जो है वो हाइड्रो सोलर ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये एक तो अच्छे हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इस पर एतमाद है। ये कहाँ की कंपनी है? मतलब चाइनीज कंपनी? जापान की है लेकिन मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना है। ठीक है, और इनका रिजल्ट जो है बाकी से बहुत अच्छा है। और आप देख भी सकते हैं कि अगर आप 4000 वाट के पैनल लगाते हैं तकरीबन 3500 वाट की आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, यानी कि पीक सीजन में। पीक सीजन में आजकल तो की बात नहीं कर रहा, मैं पीक की बात कर रहा हूँ। तो इस सिस्टम में आपने क्या सिस्टम में मतलब पैनल आइडो के हैं? ये एक पैनल कितने वाट का है? ये 340 वाट का एक पैनल। 340 वाट का मोनो पैनल है। मोनो है, मोनो। और ये जो हम देख रहे हैं कि ये 5 बस बार में, ये 5 बस बार में। अच्छा, ये कंपनी आइडो है, इस पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मौजूद है जी, बिल्कुल। इसके अलावा इस पैनल को जैसे ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है? इसको वेरीफाई कर बारकोड लगा हुआ है, वो आप उसको उस पे जाएं, नेट पे जाएं, उसी वक्त आपको बता दें ये कब बना है, किस मुल्क के लिए बनाया गया, कहाँ पे आया, कब आया। ठीक है, हर डिटेल आपको इसकी मौजूद है। तो इस एक पैनल में कितने सेल्स हैं? 72 सेल्स का मॉड्यूल है जी। और ये कितने पैनल आपने इंस्टॉल किए? 36 पैनल। ठीक है जी, 4 2 2 पैनल। ओके, और इसमें आपने जो नीचे सिस्टम में बैटरीज लगाई हैं? नहीं, नीचे सिस्टम में हमने 600 एम्पीयर के सेल लगाए छोटों के। ठीक है, साथ एक इन्फिनी 10 किलोवाट सिस्टम लगाया है। 10 किलोवाट इन्फिनी। ठीक है जी, तो ये जो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है फीड इनटू ग्रिड, यानी आप वापडा को बिजली एक्सेस बिजली बेच सकते हैं, क्या ये फंक्शनलिटीज में मौजूद है? जी, इसमें मौजूद है। आप वापडा में भी इसको, हम वापडा को भी सेल आउट कर सकते हैं। यानी फैक्ट्री 2-4 दिन के लिए बंद है तो हम इसको वापडा को सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये फैक्ट्री किस चीज़ की है? जहाँ पे फैक्ट्री जी, शू फैक्ट्री है, यहाँ पे बोर्जन और दूसरे बूट्स वालों के शूज बनते हैं जी। आपका 10 किलोवाट इंडोर आपने किया हुआ है? जी सर, ये इंडोर किया हुआ है। इसमें ये 10 किलोवाट इन्फिनी जी, 10 किलोवाट है। ठीक है, और ये सिंगल फेज है? थ्री फेज है। ठीक है, और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये वाटर के इनपुट वोल्टेज जो थ्री फेज वो आ रहे हैं जी। ठीक है, और ये हमारे इन्वर्टर के जो आउटपुट है वो थ्री फेज जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सोलर वन जी और ये सोलर टू है। ये सोलर वन जो स्क्रीन बनाई थी उसके ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये सोलर टू के वोल्टेज ये वो आ रहे हैं जी। ठीक है, ठीक हो गया। और सर, ये टेम्परेचर सेंसर? ये सर टेम्परेचर सेंसर है। यहाँ पे अभी डीसी मीटर लगना है जो कि बैटरी की वोल्टेज बताएगा। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा डीसी ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, 250 एम्पीयर का। और ये हमारे शॉर्टों के 600 एम्पीयर के सेल्स हैं जी। और कितने सेल्स हैं? ये 24 सेल्स हैं। 24 सेल्स, 48 वोल्ट सिस्टम है। ओके जी, जी। और ये हमारा वो जनरेटर लगे हुए हैं, 2 इनके जनरेटर हैं अगर खुदा ना करे। ठीक है, ये इनके चेंज ओवर लगे हुए हैं और ये इनकी मेन डीपी। ठीक है, ये डीपी आप अंदर से एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से आपने तैयार किया?
सर ये हमारे जो इन्वर्टर की आउटपुट आ रही है वो इसमें आ रही है। ठीक है, ये हमारा मेन इन्वर्टर का ब्रेकर है। ठीक है, ये हमारा सोलर टू का ब्रेकर है, ये सोलर वन का ब्रेकर है जी। ये डीसी ब्रेकर है, ये 32 एम्पेयर और 7.5 वोल्ट के। ये सोलर वन और सोलर टू क्या है सर? दो स्ट्रिंग्स आई हैं ऊपर से, एक सोलर वन को दे दिया, एक सोलर टू दे दिया। ठीक है, ठीक है जी। ये ऊपर हमारे 36 पैनल लगे हुए हैं, 36 की दोनों की सीरीज दो दो करके हम एक एक तार लेके आए यहाँ पे जी। ठीक है, और ये हमारा चेंज ओवर है जी। अगर खुदा ना खासा इन्वर्टर में कोई मसला होता है, आप इसको चेंज करके आप इसको वापस पे ऑन अपना लोड चला सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेन का ब्रेकर लगा हुआ है 3-pole 1-2-3 phase। ठीक है, और 4-pole ये है और बाकी ये आपके सामने। अच्छा जी, ये नीचे से इन्वर्टर की इनपुट है जी? ये इन्वर्टर की आउटपुट है, ये इन्वर्टर की इनपुट है। ठीक है, और ये सोलर की इनपुट है, ये इनपुट है। ठीक है, और ये हमारी बैटरीज की इनपुट, ये सोलर है। अभी इस पे लोड चल रहा है हमारी फैक्ट्री इसी पे रन। ठीक है जी, अभी इस पे लोड चल रहा है जी, ये 70% तकरीबन लोड आ रहा है इस पे जी, 64-70%। और ये हमारी पीवी से इनपुट आ रही है जी, और वापडाप ने जो कि बंद की हुई है तो ये फ्लैश कर रही है जी, वापडाप ले ली ना। ठीक है, और ये टोटल जनरेटेड एनर्जी है 2.8 किलोवाट, और ये 3.8 किलोवाट और ये कंसिस्टेंटली राइज कर रही है जी। जबकि बाहर का मौसम ये है कि धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है धूप, बादल है। ठीक है,